नमस्कार बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों की ओर 16 जनवरी को दिल्ली माइनोरिटी कमीशन द्वारा तथागत बुद्ध के जीवन पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के आयो चेयरमैन जाकिर खान मेंबर एस जीत अजीत पाल सिंह बिंद्रा मेंबर्स नरसिंह बर्लो रहे कार्यक्रम का आयोजन शशांक शेखावटी व विजय कुमार ने किया कार्यक्रम में जगरोश बेरी अध्यक्ष जागरूक नागरिक संगठन दिल्ली धर्मराज बेरी चेयरमैन जागरूक नागरिक संगठन दिल्ली और भारती व एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया चर्चा में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों ने अल्पसंख्यक आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की और बताया की दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी चलाई जा रही है जिसमे यूपीएससी एस एस सी एस पी एस सी पी एस सी ई टी जे डबल ए ट्रिपल इम टी कैट क्लैट और इस तरह की प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क तैयारी करने का अवसर प्राप्त होगा जिसमें विद्यार्थियों को जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान एनजीओ यानी जिस संस्थान द्वारा लागू की जा रही है जिसमें विद्यार्थी को कोचिंग के अलावा दो हजार तक प्रति महीने मदद मिलेगी साथ ही दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण योजना का भी प्रावधान किया गया है साथ ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज फीस वापसी योजना का फायदा दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी पब्लिक स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के फॉर्म एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भर सकते हैं जिसे छात्रों को ट्यूशन फीस वापस लेने के लिए वित्तीय सहायता लेखन सामग्री के लिए वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति सहायता मेरिट छात्रवृत्ति सहायता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राज्य अवार्ड आदि की सहायता मिल सकेगी कार्यक्रम में दीपक कुमार सदस्य जागरूक नागरिक संगठन दिल्ली विजय कुमार सोनू भारती हर्षिता लौकिक अमन नितिन कल्याण रोहित शिल्पा राजा मुसरत सुनील कुमार शमी प्रधान बंटी भाई फातिमा मेजनाज आदि लोग मौजूद रहे दिल्ली से बीसी न्यूज के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट नमस्कार बी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ बढ़ते है खबरों की ओर अलीगढ़ परिक्षेत्र के, के एडी कासगंज में कासगंज सीएमओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण निरीक्षण के दौरान सीएमओ कार्यालय में मची खलबली कार्यालय में रखे दस्तावेजों को खंगाला बोले जनपद में चल रहे अवैध अस्पतालों पर होगी कार्यवाही अलीगढ़ मंडल के स्वास्थ्य विभाग के एडी है डॉक्टर वी के सिंह जनपद कासगंज की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए और उनको सहयोग करने के लिए आज यहाँ आया हूँ बीसीएन न्यूज के लिए कासगंज से फहिम अख्तर की रिपोर्ट जालौन के उरई में 17 जनवरी को कृष्णम रिसोर्ट उरई में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें चीफ ब्रांड एम्बेसडर एंड चेयरमैन दिल्ली मोहित नबानी जी के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन में मनीष गुरबले ग्राम अमीठा को जिला प्रभारी जलौन व जिला कार्यकारिणी प्रभारी मनोनित किया गया और जिन लोगों ने अपराधियों को पकड़वाने में कोविड 19 जैसी महामारी में लोगों की मदद की उन्हें चिन्हित कर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं स्वयं प्रभा दुबे व प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज व नगर पालिका एओजी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जनपद जालौन से बीसी न्यूज के लिए आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट जनपद में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद एक के बाद एक चोरी की घटना को दे रहे अंजाम मोबाइल की दुकान पर चोरों ने बोला धावा लाखों के मोबाइल किए चोरी गैस कटर से दुकान का शटर काट कर दिया चोरी की घटना को अंजाम दुकान से लाखों रुपए के एंड्रॉइड मोबाइल लेकर हुए फरार सुबह पड़ोसियों ने दुकान मालिक व पुलिस को दी सूचना सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस व फोरेंसिक टीम व डॉग स्कॉट टीम जांच में जुटी गैस सिलेंडर छोड़ भागे चोर बीते दो दिन पूर्व भी आवास विकास के एक मकान में दिया था चोरी की घटना को अंजाम कोतवाली कासगंज के किसरोली मेन रोड की घटना यहाँ रात को हम दुकान बंद करके गए और सुबह में जब आके देखा तो गैस कटर से शटर काट और चोरी कर ले गए इसमें मोबाइल लगभग अठाईस लाख रुपए के मोबाइल चले गए सारे एंड्रॉइड फोन ले गए की फोनों को छोड़ गए बीसीएन न्यूज के लिए काजगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट मैनपुरी के थाना कुरवाली क्षेत्र के ग्राम कुवार टोला निवासी सर्वेश कुमार का 25 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार कुरवाली के बाजार में एक परचून की दुकान पर नौकरी करता है वह शाम करीब बजे एक ठेले करीबर खाने के लिए गया था तभी वहां पर मौजूद फतेहजंगपुर निवासी आकांक्षा पुत्र गुणेश पुत्र मुनेश आकाश पुत्र राम सिंह श्या ने अरुण के ऊपर खोलती हुई कढ़ाई का तेल फेंक दिया जिससे वह गंभीर रूप से जल गया घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया और उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी हमने पहुंचे फोन फोन लेने पहुंचे तो हम सामने पहुंचे वहां ने कर करैया पंडित तो एक लोग आते वहां ने फिर दूसरे फोन करो तो तीन लोग हो गए भी हम दो भी तीन हो गई तीन हो वहां ने बाकी गए छुरी फैलाई तो भाई उंगलियाँ कटेंगी एक की हमारे ऊपर तेल फेंक दो जब लेन ले गए थे तो जे ऐसे रही थे और उस जब सामने आए और इसके ऊपर कड़ाई फेंक बी सी न्यूज के लिए मैनपुरी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट मिर्जापुर में वेब सीरीज फिल्म तांडव को लेकर हिंदू युवा वाहनी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करके सैफ अली खान और तांडव फिल्म के निर्देशक का पुतला फूका इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कहना है फिल्म की फिल्म की के माध्यम से हिंदू धार्मिक भावनाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है हम हिंदू युवा वाहिनी के लोग इसका विरोध करते हैं और अगर इसे रोका न गया तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह की फिल्मों से आर भावनाओं को ठेस लगाया गया है भगवान राम भगवान शिव हमारी आस्था से है जो लोग हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे सैफ अली खान का एक फिल्म तांडव है जो वेब सीरीज आई है जिसके हीरो हैं सैफ अली खान मेल रोड में है और एक आयुब इनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है जिसका हम सब ने विरोध किया है आज उस उसी के उसमें सैफ अली खान का पुतला दहन किया गया बीसीए न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले पंद्रह वर्षों से कर रहे बुजुर्ग संघर्ष राजस्व निरीक्षण और लेखपाल ने खतौनी में मृतक दिखाकर जमीन परिजनों के नाम कर दिया डीएम कार्यालय के सामने खुद के जिंदा होने का बैनर लेकर बैठे बुजुर्ग वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले पंद्रह वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं सरकारी फाइलों में उन्हें मृत करार दे दिया गया है अब जिंदा रहते खुद को जिंदा साबित करने के लिए वह सरकारी कार्यालय और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं मामला सदर तहसील के अमोई गांव का है जहाँ के रहने वाले भोला सिंह छप्पन वर्षीय डीएम कार्यालय के सामने हाथों में खुद के जिंदा रहने का बैनर लेकर बैठ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकम मच गया है बुजुर्ग भोला सिंह का कहना है कि उन्हें जीवित रहते हुए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मृतक करार देकर उन्हें हिस्से की जमीन भाई राज नारायण के नाम कर दिया बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है वही मामले में उप का कहना है की इस मामले में जाँच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा बी सी एन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट मिर्जापुर के विध्याचल में अमृत योजना के तहत चल रहे कार्य में काम कर रहा मजदूर मिट्टी के भाषक कर गिरने से खोदे गए दस फीट गहरे में गड्ढे में जा गिरा उसके ऊपर खोदी गई मिट्टी भी गिर गई जिससे वह दब गया मिर्जापुर के विधानचल में अमृत योजना के तहत चल रहे कार्य में काम कर रहा मजदूर मिट्टी के भसक कर गिरने से खोदे दस गए फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा उसके ऊपर खोदी गई मिट्टी भी गिर गई जिसमें वह दब गया मजदूर के मिट्टी में दबने की खबर से हरकम मच गया मौके पर मौजूद मजदूरों ने उसे बचाने के लिए जे की मदद से खुदाई की और मजदूर को गहरे गड्ढे से निकाला मगर उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है बताया जा रहा है की अजय बत्तीस इस वर्ष अमृत योजना जल में कार्य वह कुछ नपाई का कार्य करने के लिए 10 से 12 फीट गड्ढे के बगल में खड़ा होकर नपाई कर रहा था अचानक गड्ढा नीचे की तरफ भर भरा कर गिर गया और उसके साथ वह भी गिर पड़ा बगल में रखे खुदाई की मिट्टी जो इकट्ठा था वह भी उसके ऊपर जा गिरा इस तरह से वह मिट्टी के काफी नीचे दब गया लगभग एक घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से उसे किसी तरह से बाहर निकाला गया परिजनों का कहना है की लालडाउन में परिवार मजदूरी का काम कर रहा है बीसीएन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट बी न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज नमस्कार